सो गाइस ये दिव्यांशु हमारे YouTube का सारा चीज यही संभालता है, प्लस हमारे HRV का भी ये ये भी है, एक पुरानी एग्जाम देकर आया है, 45 नंबर में पास हो जाएगा। 27 वाला पास होता है, 27 वाला पास होता है, मैं 50 से ऊपर करके आया। हम लोग जा रहे हैं इस मूवी देखने के लिए, बेचारे दिव्यांशु को टाइम नहीं, उसको घर जाना है, सो अभी वो बस पकड़ के जा रहा है, मैं और चड्डा जाएंगे। तेरा नंबर प्लेट दिखा दो, चोरी कर लिया तो भाई। अच्छा, सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सलार मूवी देखने के लिए। सबसे सुना था कि बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली, जिसमें प्रभास है बाहुबली वाला एक्टर, वैसे आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, बट इसी वजह से, और उसमें कुछ लिंक है, KGF के डायरेक्टर हैं, और पता नहीं KGF से कुछ लिंक विंक है। हमें को एक्शन मूवीज बहुत पसंद आती है, तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए, देखते हैं कैसा रहेगा हमारा एक्सपीरियंस, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। स्पॉइलर्स नहीं दूंगा, चिंता मत करो। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, दर्पण के घर पे था, मैं रेडी हो चुका हूँ, एंड दर्पण अभी बैठा है, वेट कर रहा है। अभी वो जस्ट एग्जाम देकर आया है, बट उसको फिर भी मूवी देखनी है, जोश है। कल ही हमने बुक कर ली थी और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। चलो भाई, हेलमेट कहाँ है भाई? बेटा ये व्लॉग जाएगी ना पुलिस, इसको देख के हमें पकड़ के बहुत पेलेगी। पिंकी पोंकी दर्पण इज अटोरे भड़वे मातर। अभी मेरा इंकी पिंकी पोंकी डोंकी सब हो जाता भाई। कैमरा क्वालिटी तो है यार, कुछ भी बोल, बहुत प्यारी है इसकी। गाइस हम लोग एकदम बगल में जा रहे हैं, इसलिए हेलमेट नहीं पहना, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना। जब हम दूर गए थे तो हेलमेट पहना था, एकदम पास में जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, तो हमने हेलमेट नहीं पहना। आप लोग इस चीज को गलत मत समझना गाइस, ठीक है? अबे थार लेके लोग खुद को क्या समझते हैं। देखो गाइस 7:45 की मूवी है, ये भड़वा अभी खा रहा है। वाली कैसे दे रहे हो आप? टाइम दिखाता हूँ आपको गाइस, टाइम देखो 7:40। खा के आया ये राइस रास्ते में, पता है फिर भी। गाइस हम पहुंच गए हैं मॉल, अभी कितने बज रहे हैं अभी? 7:55, एंड मूवी 10 मिनट पहले स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी चल, जल्दी जल्दी हम लोग जाते हैं, जल्दी भाग चढ़े भाग, मूवी स्टार्ट हो गई। कैसे भाग रहा भाई? भागता हूँ गाइस, अपने मूवी छोड़ जाएगी, प्रभास में आ रहा हूँ तुम्हारी गौ। उसके 5 मिनट हुए और हम अब पहुँचे हैं, अब भी पहुँचे कि नहीं मैं तो पता नहीं, बट पहुँचे हैं गाइस। अभी हम जाएंगे, सलार ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, सब लग रहा है मुझे सलार के ही पैसेंजर है। डुनकी भी आ गई, अच्छा इसलिए पड़े। अभी डुनकी भी आ गई है शाहरुख खान की, सब देख के जाओगे हम दोनों देख के चलते हैं। क्या बताओ गाइस, गिंडे ने हमें लेट करवा दिया है, और आज शायद शाहरुख खान की मूवी भी रिलीज हो गई, इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ है थिएटर में। हम लोग कोई नहीं, हम पहुंच गए ऐसे, लोग व्लॉग बनाने पता नहीं किस नजर से ही देखते हैं। मैं तो स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी। देखो गाइस मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा स्पॉइलर, अभी हीरो भाई। इतनी बड़ी मूवी है ना कि स्टार्टिंग में बस वो दिखा रहा था पुरानी, स्टार्टिंग में बोर लग रहा होगा चड्डा को, है ना भाई? पर स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था, अब बोर लग रहा था। हाँ, बहुत तगड़ी लग भाई। अब धीरे धीरे अक्सर ऐसे मूवीज में ऐसा ही होता है, KGF में भी ऐसा था, पहले मतलब प्रेजेंट का दिखाने लगे थे, फिर बाद में धीरे धीरे पास्ट पे गए थे। इस बार भी ऐसा हुआ, पहले प्रेजेंट का दिखा रहे थे, धीरे धीरे पास्ट पे जा रहे, तो भाई मजेदार है अभी तक तो भाई। एक तो भाई एक्शन तो बनाते हैं यार, साउथ मूवीज में एक्शन तो बनाते हैं, है ना? डेंजर है ना बहुत सारू भाई, अबे डेंजर नहीं बोला था, सलार भाई सलार देख भाई। पर यार इसमें सबसे बुरी बात यही है ना, ये पार्ट वन है, तो पार्ट टू कब आएगा इसमें? हाँ तो पता है ये लोग क्या करते हैं, ये पार्ट वन में ना बैन स्टो पूरा क्यूरियोसिटी ला के एकदम मेन पार्ट पे छोड़ देते हैं, यही होगा मुझे लग रहा है। अभी तो इंटरवल हुआ है, KGF पार्ट वन, KGF एनिमल 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 फिर भी थोड़ा सेटिस्फाइंग था। KGF में तो यार पूरा वो करके छोड़ दिया, तो बाहुबली पार्ट वन में भी ऐसे ही किया था। मैं पता है मैंने बाहुबली देखी थी ना, तो मुझे लगा था भाई इंडिया में इस क्वालिटी लेवल की मूवीज बन रही है भाई, क्या ही मजेदार। और आज मेरे को ऐसी सेकंड मूवी दिखी है जो मुझे लगा वर्थ इट है, बहुत वर्थ इट था भाई, बहुत। लेकिन पता नहीं था ना इसका कि नहीं, मेरे को सच में नहीं, मतलब भाई मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने 4-5 मूवी लगातार देखी है अच्छी अच्छी जो भी ब्लॉकबस्टर गई है, लेकिन आई थिंक सो इसके मुकाबले वो कहीं भी नहीं है सारी की सारी। सो गाइस अब ये जस्ट मूवी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, बस इतना बोलूंगा सॉरी यार अरे वो उसका डायलॉग है ना, मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लिटरली वर्थ इट था। वैसे हमने कैवेंटर्स का शेक लिया था, ये पियेंगे, मैं अंदर जाके छिपा के लेके जा रहा था, चड्डा बट पकड़ लिया हम लोग जा रहे वापस, इसका बोलेंगे क्या कहते हैं स्ट्रॉ, और इसको पियेंगे, मेरा फेवरेट है गाइस कैवेंटर्स। थोड़ा सा पी लिया क्या उसने? तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा भाई ये आपका खुला हुआ है पता नहीं ऐसे ही आता है पक्का, अभी वो एयर टाइट होता है ना तो वो रखे रखे वो हो गया होगा। तो गाइस अभी हम लोग इसको पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं भाई। इस ठंड देखो, पता है आपको, पता नहीं दिख रही हूँ नहीं दिख रही,
फुल धुंध है गाइस, फुल ठंड, फुल ठंड भाई। रात को अभी टेम्परेचर कितना हो रहा होगा, फोन पे दिख जाएगा कितना टेम्परेचर है। दिल्ली टेम्परेचर गाइस ये है कुछ 16 डिग्री, फॉग फील्स लाइक 11 डिग्री की माँ का 11 कुछ भी बोलो, कार अपनी जगह, बाइक अपनी जगह। ये मॉल था गाइस जिसका नाम है टेक वेगास मॉल, अभी पता नहीं आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं वापस, हर जाके हम लोग वापस से फुल एनर्जी के साथ सो जाएंगे कुछ तो करेंगे। ये कितना सेक्सी लग रहा है ना भाई, लोग तो वैसे लड़कियां क्रेजी हो जाएंगे मेरा हाथ देख के ना। देखो भाई ये चट्टा ऐसी तो जगह, देखो लाइट बुक आ रही है, पूरा रास्ता खाली, एक इंसान नहीं है, एक इंसान नहीं। बताओ इधर कोई गाप मार के भाग जाए पता ना चले, पूरा इलाका सुनसान। भूत होते हैं ना? ना नहीं सुनना, घर पहुंचा दे फिर सुना ना। ना ना मुझे नहीं सुननी, अरे सुननी पापा ने। पूछा क्या हो गया भाई साहब, बाहर के यहाँ के बीच में क्यों बैठे हो? ठीक है, वो ना चुपचाप खड़ा हुआ और उल्टा चलने लगा मामा ने। हाँ मतलब वो चलने लगा, उल्टा मुड़ के चला गया आगे की तरफ जाने लगा, कि उस तरफ जाने लगा। मामा इस शहर से आ रहे थे, तो क्या होता है वो मामा उसके पैर देखते हैं, उसके पैर उल्टे। हाँ, और वो बीड़ी पीता पीता इंसान आगे की तरफ जा रहा है, मामा जल्दी से बैठे और भागे भाई चल तू भी चल, फिर तेरे ऊपर कहानियां सुनाएंगे। एक लड़का ना वो भी पीड़ी सलार मूवी देखे, बहुत खुश था कि कुछ तो देखा है खोल के बैठे इतनी रात को। और इतनी रात को जो डिलीवरी पार्टनर आते होंगे भाई, उनका क्या हाल होता होगा। जोमेटो का ऑर्डर लेने जाता हूँ ना, तो नीचे गेट खोल के मेरी ऐसे हो जाती है, इतनी ठंड होती है, और वो लोग भाई इतनी रात को डिलीवरी कर रहे होते हैं। हैट्स ऑफ है भाई, दे दिया करेंगे। तो गाइस मूवी खत्म हो गई है, मैं अभी वापस आ चुका हूँ घर पे, एंड आई गेस कर लिया परसों की मेरी ट्रेन हो जाएगी एंड मैं उसके बाद चला जाऊंगा, जो एक काम था वो भी हो चुका है। तो अगर आप भी ये मूवी देखना चाहते हो गाइस तो मेक श्योर जाके देखो, सच में बहुत अच्छी है, थिएटर में एकदम देखने लायक, बहुत ही मस्त है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, आप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैंने कोई भी स्पॉइलर्स नहीं दिया है, बस इतना बोल रहा हूँ देखोगे तो रिग्रेट नहीं करोगे। सो बाय, एंड कमेंट सेक्शन में जिसके कमेंट पे भी एक भी लाइक नहीं होगा उसको मेरे तरफ से 1,000 रुपए गिव अवे। ये वाली बकलोली बहुत चल रही है, बट ये मेरे तरफ से भी, जिसके पे भी एक भी लाइक नहीं होगा स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, तुरंत एक दिन के बाद आपको मैं ऑन स्ट्रीम 1,000 रुपए।